मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर लोकसभा चुनावों के लिए भी रणनीति तैयार करने में जुट चुके हैं और लोकसभा चुनावों में जीत किस तरह हासिल करनी है उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते सबसे पहले जिन इलाकों में भाजपा की हार हुई है उन विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह से जीत हासिल करनी है और उनकी हार इन क्षेत्रों में क्यों हुई है, इस बारे में वहां के स्थानीय नेताओं से भी विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने सोलन से की और उन्होंने कहा कि भाजपा शिमला विधानसभा क्षेत्र में अवश्य जीत हासिल करेगी। सोलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आने वाले चुनावों को लेकर यह ऐलान किया है कि आने वाले समय में वह प्रदेश में पांचों की पांचों सीटों पर विजय हासिल करेंगे और जिन क्षेत्रों में उनकी हार हुई है उनको लेकर गहन चिंतन किया जा रहा है और हार की वजह को तलाश कर उसको जीत में किस तरह से परिवर्तित करना है उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने जंजैली मामले पर कहा कि यह मामला न्यायालय में अधीन है, इसीलिए वह इसमें कोई भी मध्यस्थता करना नहीं चाहते हैं। यह बात कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी समझनी चाहिए। देखिए, चुनाव में जीत हार होती रहती है, पूरे प्रदेश भर में कुछ जगह हम जीते हैं, कुछ जगह नहीं जीत पाए हैं, लेकिन जहां नहीं जीत पाए हैं उसमें आने वाले समय के लिए कारण क्या है, उन सारी बातों को जानना समझना और उसके साथ साथ में आने वाले समय में हम उन सारी सीटों को हम जीत सके उस दृष्टि से हम काम करने की कोशिश करेंगे। मैं सरकार में हूं और उसके साथ साथ में ये काम हमारे संगठन के लोग भी कर रहे हैं, बहुत जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जहां कमियां इस तरह की छूटी है संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से वो कमियां पूरी की जाएंगी और लोकसभा चुनाव में हम हिमाचल प्रदेश से 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के रूप में देंगे। देखिए, उस सारे मामले में मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मामला कोर्ट का है, समझना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को।